हेलो व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एंड टुडे वी गोन एक्सप्लेन मूवी द ब्यूटी एंड द बीस्ट। तो मूवी की शुरुआत एक लेडी से होती है जो अपने दो बच्चों को ब्यूटी एंड द बीस्ट की कहानी सुना रही होती है। वो बच्चों को बताती है कि सालों पहले एक व्यापारी था जो अपने पत्नी के मौत के बाद अपने 3 बेटे और 3 बेटियों के साथ रहता था, जहाँ वो अपनी छोटी बेटी बेल से सबसे ज़्यादा प्यार करता था। वे बहुत अमीर होते हैं, बट एक बार समुद्र में तेज तूफान आने से उनकी सारी शिप के साथ साथ उन पर लदा सारा खजाना समुद्र में ही डूब गया, जिससे उनकी लग्जरियस लाइफ खत्म हो गई और वे सभी शहर से दूर छोटे से घर में रहने लगे। बेल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुशी से रहती थी। अब व्यापारी सभी से बताता है कि उनकी डूबी हुई जहाज का पता चल गया है, जिसके मिलने से हम दोबारा लग्जरियस लाइफ जी पाएंगे। ये सब सुनकर व्यापारी की दो बेटियां एक लंबी लिस्ट दे देती है, मगर जब व्यापारी बेल के पास जाता है तो वो बस उन्हें एक रोज लाने को कहती है। इसके बाद व्यापारी अपने बेटे मैक्सेप के साथ वहाँ पहुँचता है तो ऑफिसर उसे बताता है कि समुद्र से मिली जहाज अब बैंक की हो चुकी है, जिस वजह से अब उसे वो जहाज कभी नहीं मिलेगी। इस बीच गुस्से में आकर मैक्सेब ऑफिसर की कॉलर पकड़ लेता है तो व्यापारी उसे डांटता है, जिससे वो वहाँ से चला जाता है। अब व्यापारी अपने बेटे को ढूंढते ढूंढते एक क्लब में पहुँच जाता है, जहाँ उसके बेटे का नाम सुनते ही एक बदमाश आदमी उस पर हमला कर देता है। वो उसे कहता है कि उसके बेटे मैक्सेब ने उसे कुछ उधार दिए थे, मगर अभी तक उसने पैसे नहीं दिए। इसी वजह से वे बुरे लोग उनसे पैसे वसूलना चाहते थे। तभी व्यापारी अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है और अपने बेटे की तलाश में बर्फीले जगह पहुंच जाता है, जहां काफ़ी तेज ठंडी हवा चल रही थी, जिसके वजह से जख्मी होने के कारण उसका हॉर्स वहीं गिर जाता है। व्यापारी बूढ़ा होने की वजह से अपने हॉर्स की कोई मदद नहीं करता और अकेले ही आगे बढ़ने लगता है। अब तेज हवा के कारण उसे कुछ भी नहीं दिखता तो वो एक खाई में गिर जाता है, जहां उसे पुरानी हवेली दिखाई देती है, जिसके अंदर जाने पर उसे वहां कोई नहीं दिखता, मगर उसे वहां कई प्रकार के भोजन खाने को मिलता है, जिसे खाने के बाद उसे वहां बहुत सारा खजाना और कपड़े नज़र आता है, जिसे देख वो काफ़ी खुश हो जाता है और उनकी बेटियों द्वारा दिए गए लिस्ट से चेक करने लगता है। तो वो देखता है कि लिस्ट में उसकी छोटी बेटी बेल द्वारा मांगे गए गुलाब के अलावा बाकी सब कुछ वहाँ है। तो वो खजाने को हॉर्स पर लाद कर हवेली के बाहर गुलाब ढूंढने लगता है, तो उसे एक विशाल से पेड़ पर गुलाब नज़र आ जाता है, जिसे तोड़ते ही एक बड़ा सा बीस्ट उस पर हमला कर देता है, जो रोज़ तोड़ने पर बहुत गुस्सा था। व्यापारी उसे बताता है कि ये उसकी छोटी बेटी के लिए है, जिसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है, पर फिर भी कोई फ़ायदा नहीं होता। बीस्ट व्यापारी को एक दिन का समय देता है ताकि वो अपने घर जाकर अपने चाहने वालों से अलविदा बोल दे और फिर यहाँ वापस आने के लिए उसे उसके हॉर्स के कान पर जिंदगी के नाम बोलना होगा, जिससे एक जादू होगा और वो घोड़ा उसे यहाँ लेते आएगा। अब यहाँ सवाल उठता है कि व्यापारी के इतने खजाने पर बीस्ट ने कुछ भी नहीं कहा तो एक रोज तोड़ने पर व्यापारी की जान क्यों मांगी। तो ये चीज़ आगे रिवील होगा। बीस्ट उसे धमकी भी देता है कि अगर तुम यहाँ कल नहीं आए तो मैं तुम्हारी छोटी बेटी को छोड़कर बाकी सबको मार दूंगा। अब व्यापारी अपने घर आकर सबको खजाना दिखाता है और बताता है कि खजाना लेने पर उसने कुछ भी नहीं कहा, पर एक रोज तोड़ने पर बीस्ट ने उसकी ज़िंदगी मांग ली और कल मुझे वहां जाना ज़रूरी है, वरना वो यहां आ जाएगा। अब बेल बहुत दुखी हो जाती है और उसे लगता है कि ये सब उसी की गलती है। तो अगले सुबह वो अपने पिता को कमरे में बंद करके उनकी जगह वो चली जाती है। जंगल में पहुंचकर बेल घोड़े के कान पर वह मैजिकल वर्ड बोलती है, जिसे वहाँ के ट्रीज खुद ब खुद रास्ता बना देती है और बेल महल के पास पहुँच जाती है, लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं मिलता तो बेल महल में घूमने लगती है। टहलते टहलते वो एक कमरे में पहुँच जाती है, जहाँ उसे एक सुंदर सी ड्रेस नज़र आती है, मगर उसके हाथ जख्मी होने की वजह से वो उसे हाथ नहीं लगाती और पास के एक पॉन्ड में हाथ धोती है।
तो उसके अंदर से चमकती हुई लाइट निकलती है जिससे बेल के हाथों की जख्म ठीक हो जाती है। इसके बाद वो उस ड्रेस को पहनकर हॉल में चली जाती है जहां उसे एहसास होता है कि वो बीस्ट उसके पीछे ही है। तो वो उसे बताती है कि मेरा नाम बेल है और मैं अपने पिताजी के बदले आई हूँ। तो बीस्ट उसे मारने की बजाय खाना खाने को कहता है और उसके सामने आकर उसे कहता है कि हर शाम ठीक 7 बजे उसे यहाँ आना है। तभी बेल सोने की ग्लास में बीस्ट का चेहरा देखती है जिससे वो डर जाती है और उस पर चाकू से हमला करने की कोशिश करती है। तभी बीस्ट गायब हो जाता है। अब रात में सोते वक्त बेल के पास वही चमकती हुई रोशनी आती है और उसे उसके सपने में बीस्ट का पास दिखाती है जहाँ बीस्ट पहले प्रिंस था जिसे शिकार का बहुत शौक होता है। वो एक गोल्डन डियर के शिकार करना चाहता था मगर कई साल तक तलाश करने पर भी वो नहीं मिली। ये सब बात प्रिंस आकर अपनी रानी को भी बताता है। तो प्रिंस के ब्रदर्स रानी को एक गोल्डन तीर दिखाते हैं जिसे उन्होंने हिरन को मारने के लिए दिया था। अब प्रिंस और प्रिंसेस अकेले होते हैं तो प्रिंसेस उसे उस गोल्डन डियर का शिकार करने से मना करती है क्योंकि प्रिंस के जाने के बाद प्रिंसेस बिल्कुल अकेला फील करती थी। तभी बेल की नींद टूट जाती है और उसके सामने अब एक न्यू ड्रेस होती है जिसे पहनकर बेल महल के बाहर जाती है जहां उसे एक डियर नजर आता है जिसका पीछा करते करते वो उसी प्रिंसेस के कब्र तक पहुंच जाती है जिसे बेल ने अपने सपने में देखा था। प्रिंसेस का कब्र उसी रोज के पेड़ के नीचे होता है जिस पेड़ से व्यापारी ने रोज तोड़ा था। अब बीस्ट के कहे अनुसार शाम के 7 बजने वाले थे तो वो जल्दी से बीस्ट के पास चली जाती है मगर उसके मन में बहुत सारे थॉट आते हैं जिनके वो जवाब जानना चाहती थी। बीस्ट उसके सामने आकर कहता है कि अगर वो उसे ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेगी तो वो उसे यहाँ की रानी बनाकर रखेगा। पर बेल उसे यह कहकर ठुकरा देती है कि वो उसके काबिल नहीं है। तो बीस्ट गुस्से में आकर वहाँ से चला जाता है। बेल भी गुस्से में अपने कमरे में आ जाती है जहाँ उसे क्यूट से पपी नजर आते हैं जिसे देखकर पहले तो वो डर जाती है पर वो देखती है कि पपीज ने उसके लिए एक सुंदर सा डॉल बनाकर दिया है तो डॉल को देखकर खुश हो जाती है और उनसे दोस्ती करने की कोशिश करती है मगर वो पपी बेल से डरे हुए होते हैं जिस वजह से पपीज उसके सामने नहीं आते। तो वो वहाँ सो जाती है और सोने के बाद फिर से बीस्ट का पास देखने लगती है जहाँ प्रिंस सबको ऐलान करता है कि अब इस राज्य का एक वारिस होगा जिसके बाद वो प्रिंसेस के साथ डांस करने लगता है। तो प्रिंसेस उसे उसके दिए हुए वादे के बारे में याद दिलाती है कि तभी बेल का सपना टूट जाता है। अगले दिन फिर से बेल एक नई ड्रेस पहनकर महल में घूमने निकलती है पर अब उसे इस महल के राज जाना था। शाम के 7 बजते ही बेल बीस्ट के पास चली जाती है मगर इस बार बेल बीस्ट से एक सौदा करती है कि अगर वो उसे एक बार अपने परिवार से कुछ देर के लिए मिलने देगा तो वो उसके साथ डांस करेगी। तो बीस्ट मान जाता है और उसके साथ डांस करने लगता है। डांस करते करते बेल बीस्ट की चेस्ट पर अपना सर रख लेती है जिस पर बीस्ट उससे पूछता है कि क्या वो उससे प्यार करेगी। ये सुनते ही बेल उसे धक्का देते हुए कहती है कि वो चाहे कुछ भी कर ले वो उससे नफरत ही करेगी और वो बीस्ट को अपना वादा पूरा करने को कहती है। तो बीस्ट गुस्से में आकर वहां से चला जाता है। अब आधी रात में बीस्ट एक हिरन को मार देता है जिससे उस प्रिंसेस की स्टैचू से आंसू निकलने लगते हैं। बेल बीस्ट को हिरन की लाश को लेते हुए देख लेती है तो वो उसका पीछा करने लगती है जहाँ बीस्ट अपनी और प्रिंसेस की तस्वीर के सामने हिरन को खा रहा होता है जिसे देख बेल घबरा जाती है और वहाँ से भागते हुए महल के बाहर आ जाती है। तो बीस्ट भी उसके पीछे पीछे आ जाता है और उसे बर्फीले चादर पर गिराकर किस करने की कोशिश करता है कि तभी बर्फ की चादर टूट जाती है जिससे बेल पानी में गिरकर बेहोश हो जाती है लेकिन बीस्ट उसे बचाकर कमरे में ले आता है। होश आने पर बीस्ट उसे अपने फैमिली से मिलने की इजाज़त दे देता है साथ में उसे थोड़ा सा मैजिक वाटर भी देता है और उसे कहता है कि अगर वो कल 7 बजे तक यहाँ नहीं आई तो वो खुद मर जाएगा।
सुबह घर पहुंचने के बाद वो देखती है कि उसके भाई ने जिस गैंगस्टर से पैसे लिए थे अभी तक उन्होंने उसके पैसे नहीं चुकाए हैं। फिर बेल अपने पिता के पास जाती है, मगर उनके पिता की तबीयत ठीक नहीं होती और सो रहे होते हैं, तो बेल भी अपने पिता की चेस्ट पर अपना सर रखकर सो जाती है। उधर मैक्सेब को बेल के कपड़े पर एक रेड कलर की चमकती हुई चीज मिलती है, जिसे देख दो ब्रदर लालच में आ जाते हैं, तो वो लोग और भी खजाने की तलाश में महल को ढूंढने निकल जाते हैं। बेल अपने फादर के पास सोई होती है, तब फिर से वो चमकती हुई रोशनी आती है और बेल सपना देखने लगती है कि इस बार प्रिंस को वो गोल्डन डियर मिल जाती है और वो उस पर अपनी सुनहरी तीर मारता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो गोल्डन डियर और कोई नहीं बल्कि प्रिंसेस होती है, जो उस जंगल की अप्सरा थी जिसमें इंसानी रूप लेने की एबिलिटी होती है। वो यहाँ अपने लिए प्यार ढूंढने आई थी जो उसे प्रिंस के साथ हुआ। प्रिंसेस के फादर जो जंगल के देवता थे, वो प्रिंस को शराब देकर बीस्ट में बदल देते हैं और प्रिंसेस स्टैचू में बदल जाती। इसके नीचे से बड़ा सा रोज का पेड़ निकल आता है। यही वजह हो सकती है कि बीस्ट ने व्यापारी से रोज के बदले जिंदगी मांगी थी। प्रिंसेस के फादर बीस्ट को ये भी बताते हैं कि जब तक कोई लड़की उसे बीस्ट के रूप में स्वीकार नहीं करेगी, वो कभी भी ठीक नहीं होगा। उधर मैक्सेब उस जगह पहुंच जाता है जहां से महल तक जाने का रास्ता होता है। तभी वहां गैंगस्टर भी अपने प्रेमिका और दोस्तों के साथ आ जाते हैं, तो मैक्सेब उसे वही चमकती हुई सी चीज दिखाते हुए कहता है, हम तुम्हें और भी खजाना दिला सकते हैं जिसके लिए तुम्हें हमारी जान बख्शनी होगी, तो गैंगस्टर मान जाता है। इधर बेल की नींद टूटते ही अपने पिता को मैजिकल वाटर देती है ताकि वो ठीक हो सके और फिर महल के लिए जाने लगती है, मगर उसे पता चलता है कि सभी घोड़े तो उसके ब्रदर ले जा चुके हैं, तो वो पैदल ही निकल जाती है। वहाँ मैक्सेब और गैंगस्टर पहुंच जाते हैं जहाँ गैंगस्टर की प्रेमिका उसे प्रिंसेस को मारी गई सोने की तीर लाकर देती है, जो उनके लिए काफ़ी था, और सबको यहाँ से जाने के लिए कहती है क्योंकि यहाँ बहुत खतरा है, मगर वो गैंगस्टर उसकी एक ना सुनता। गैंगस्टर महल का दरवाज़ा तोड़कर अंदर की सभी चीज़ें उठाने लगते हैं, लेकिन बीस्ट उन्हें ये सब करते हुए देख रहा होता है। दूसरी तरफ बेल कांटेदार झाड़ियों से होकर महल तक जाने की कोशिश करती है, पर वहीं थककर वो गिर जाती है। तो फिर वो जंगल के देवता से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे महल तक जाने दे, जिसके बाद देवता उसकी बात सुन जाते हैं और वहां अपने आप ही रास्ता खुल जाता है। बीस्ट के ब्रदर जो शराब के बाद बिगफुट में बदल गए थे, वो जान जाते हैं और सभी गैंगस्टर को अपने पैरों से ही कुचलने लगते हैं। अब जैसे ही मॉन्स्टर बेल के ब्रदर को मारने वाले होते हैं कि तभी सामने बेल आ जाती है और बीस्ट उन्हें रोक देता है। तभी पीछे वो मैन गैंगस्टर आकर बेल की गर्दन में चाकू रख देता है और उसे वहां से जाने देने के लिए बीस्ट को धमकी देता है। अब गले से खून निकलकर जब जमीन पर पड़ता है तो उस पर से रोज निकल आता है, जिसे देख गैंगस्टर का ध्यान भटक जाता है और बेल उससे फ्री हो जाती है। बीस्ट गुस्सा होकर सबको मारने जाता है, पर बेल उसे रोककर कहती है कि वो उन्हें यहाँ से जाने दे क्योंकि वो यहाँ आ चुकी है और हमेशा उसके साथ ही रहेगी। कि तभी गैंगस्टर बीस्ट की चेस्ट में वही गोल्डन तीर मार देता है। बीस्ट के मरते ही वहाँ सब कुछ तबाह होने लगता है और जादुई से लंबे लंबे शाखा निकल कर बीस्ट की शरीर को लेने की कोशिश करते हैं। बेल अपने भाइयों की मदद से बीस्ट को ले जाकर अपने कमरे के पॉन्ड में दुबाकर तीर को निकाल देती है, जिसके बाद बीस्ट जादुई वाटर की मदद से ठीक हो जाता है। फिर बेल उससे अपने प्यार का इजहार करती है, जिसके बाद बीस्ट अपने ह्यूमन रूप में बदल जाता है। फिर वहाँ की सारी शाखा गायब हो जाती है। इसी के साथ लेडी अपनी स्टोरी भी खत्म कर देती है, जिसके बाद ये रिवील होता है कि वो लेडी और कोई नहीं बल्कि बेल होती है, जो अपने बच्चों को अपनी कहानी सुना रही थी। बेल अब उस महल की बजाय अपने पुराने घर पर रहती है। बच्चों को सुलाने के बाद वो गार्डन में जाती है जहाँ प्रिंस काम कर रहा था। बेल प्रिंस के गले लगकर किस करती है
और इसी के साथ मूवी समाप्त हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक दोस्तों।